हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ लेमन पाई। इसके मैंने इतने वीडियोस देखे हैं तो मुझे मेरा भी मन किया कि मैं भी इसको बना के ट्राई करूँ। तो इसके लिए चाहिए हमें बहुत सारे लेमन, तो मैंने यहाँ पर सारे लेमन्स को कट कर लिया है और आप मैंने नियरली 5-6 लेमन्स लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, इतने तो रिक्वायर्ड है क्योंकि ये बहुत खट्टा खट्टा सा बनता है। तो मैंने इनको स्क्वीज करके इनका जो जूस है वो निकाल रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसके बीज को हम अलग कर देते हैं। फिर हमें चाहिए बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हो, डाइजेस्टिव बिस्किट्स या फिर जो जिंजर का वो वाला बिस्किट, मैरीगोल्ड वाला बिस्किट, कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेना है। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिल्कमेड। ये कहीं पर भी आपको शॉप्स में मिल जाएगा, बकाले में मिल जाएगा, तो आप मिल्कमेड ले सकते हो। उसमें आप ऐड करोगे लेमन वाला जूस। इसको मैंने छान लिया है। लेमन का जूस ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाला है ताकि वो जिंजर का एक किक आ जाए। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को मैं अच्छे से डाल लूँगी। देख सकते हो आप, मैंने एक छोटी सी डिब्बी ली है फ्रेश क्रीम की। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से फेंटने के बाद ये देखो ये रेडी हो गया है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब एक बाउल में मैं डाल रही हूँ बटर। बटर को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पे रख के मेल्ट कर लिया था। अब उसमें जाएगा बटर मिक्स किया हुआ बिस्किट का पाउडर। तो इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मिल्कमेड और थोड़ा सा बिस्किट पाउडर स्प्रिंकल करूँगी। अब इसको आप फ्रिज में रख के 3-4 घंटों के बाद सर्व करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।